स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर एस फाइनल डेस्टिनेशन में। हम मैथी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसका पहला पार्ट जो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हमने काम टाइम ऑफ वर्क के बारे में कुछ सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि अगर दो व्यक्ति एक साथ काम कार्य करते हैं तो उनका पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, अगर दोनों अलग अलग पूरा कार्य करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके की हमने कुछ जानकारी पहले पार्ट में ली थी, या इस तरीके के कुछ सवाल हमने सॉल्व किए थे, जिसमें जाना था यदि कोई व्यक्ति 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है या बाद में छोड़ देता है तो किस तरीके से कार्य पूरा होगा। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं इसके और कुछ सवालों के बारे में जो परीक्षा में हमसे पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन हमने इस बार रखे हैं। इस बार हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो इस प्रकार के हैं, जैसे कोई ए और बी किसी कार्य को करते हैं तो बारी बारी से करते हैं, मतलब एक दिन एक ने किया दूसरे दिन दूसरे ने किया तो कार्य कितने दिन में पूरा होता है। या इस तरीके के क्वेश्चन इसमें लिए हैं हमने, जैसे कुछ महिला या पुरुष हैं, या महिला तथा पुरुष हैं, इस तरीके क्वेश्चन लिए हैं जो कार्य करते हैं, तो इन दोनों में एक रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन है तो जो परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। देखते हैं इस क्लास के में पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए यह है, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 30 दिन और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर बारी बारी से एक 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 दिन कार्य करते हैं, मतलब बारी बारी से दोनों एक एक दिन कार्य करते हैं। एक कार्य प्रारंभ करता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए दोबारा समझ लीजिए सवाल क्या कहता है, कि ए और बी किसी कार्य को 30 और 40 दिन में करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर बारी बारी से करते हैं, मतलब पहले दिन ए ने किया तो दूसरे दिन बी ने किया, इस तरीके से दोनों काम करते हैं, तो ये पूछता है कि कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो इस सवाल को हम उसी मेथड से करते हैं जिस मेथड से हम पहले सवाल करते आए थे, एलसीएम वाले मेथड से। सबसे पहले वही हम लिखते हैं, दोनों डिजिट को लिख लेते हैं। ये हमारा पहला है, 30 और 40 हमने लिखा। इसके बाद एलसीएम कितना आया इन दोनों का, एलसीएम निकाला हमने पहले पार्ट में, आपको बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है, ये आता है 120। ठीक है, एलसीएम करने के बाद हमने देखा कि भाई इसको कितना कितना इसका अनुपात देखा, रेशियो देखा 120 में, तो इसका रेशियो कितना हो गया, इस पूरे एलसीएम में जो इसका एलसीएम आया उसमें इससे डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया कि दोनों मिलकर जो 2 दिन में काम करते हैं वो कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं, लेकिन टोटल काम कितना है, 120। तो हमें बताना पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। तो जब दोनों मिलकर 2 दिन में 7 काम करते हैं, मतलब 2 दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। इसी तरीके से एक माइंड में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसे सवालों में, कि भाई 7 काम 2 दिन में करते हैं, इसी प्रकार ये 120 काम कितने दिन में करेंगे। इसी प्रकार हमने देखा भाई हम अब पास में लेकर आए 12 12 7 84, मतलब हम देखते हैं और आगे जाते हैं 15 7 105, इस तरीके से लेकर आए। तो हमने जब देखा तो ये देखा कि 17 में जो होता है 17 डेज में, मतलब 17वें दिन में जो काम करते हैं वो कितना कर लेते हैं, 119 काम कर लेते हैं, समझे, 119 काम कर लें। कैसे, इस तरीके से आप लेके जाएंगे जो 17वें दिन जो काम बैठेगा वो इसका बैठेगा वही 4 और 3, उसके बाद एक काम बचेगा, एक काम कौन करेगा उसको, पे ए करता है ना पहले, तो उस एक काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो 17 दिन तो दोनों ने लगातार काम किया, तो 17 मतलब, लेकिन 2 दिन में 7 काम करते हैं, तो 17 दिन का काम कितना हो गया, वो 34 डेज, तो वो हो गए काम के, और एक दिन का काम और बचा, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/4। तो क्या आ जाएगा, 34/1/4 काम इतने दिनों में पूरा होगा। दोबारा समझ लीजिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही है कि पेयर बनाना, पेयर के लिए हमने सबसे पहले जाना कि भाई ये दोनों मिलकर जो करते हैं 2 दिन में 7 काम करते हैं, ये 7 काम आया दोनों का 2 दिन का, तो इसका मतलब 2 दिन में 7 काम करते हैं ये, तो हमें काम कितना करना है, 120। इसी तरीके से हमने एक रफ कैलकुलेशन की कि भाई 7 की इसमें डिवाइड देके किया तो ये आया 17 और कुछ आया, मतलब 17 17 जो होते हैं 119 होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 17वें दिन दोनों के, मतलब 17 दिन दोनों में कितना काम किया, 119 काम हो गया, एक काम बचा इसका, तो एक काम को कौन करता है, ए करता है, तो 1/4 हो गया, लेकिन ये जो काम है ये 2 दिन का है, तो दोनों का हमने देखा 17 × 34 प्लस 1/4, तो टोटल जो काम किया इन दोनों ने कितने में किया, 34 सही 1/4 में किया, समझ में आया होगा आप लोगों के। इसी तरीके से एक और लिया है हमने, और इससे समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए दूसरे सवाल में क्या कहता है, पहला सवाल आपके समझ में आ गया होगा, दूसरा सवाल देखते हैं। ये कहता है ए बी और सी, इसमें 2 व्यक्ति थे, इसमें 3 हैं, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में अलग अलग कर समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं,
सबसे पहले ए कार्य करता है, उसके बाद बी कार्य करता है, उसके बाद सी कार्य करता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो सबसे पहले वही हम करेंगे जो करते आए हैं। सबसे पहले इसका तीनों को लिख के एलसीएम निकालेंगे, हमने तीनों डिजिट लिख ली। उसके बाद इन तीनों का हमने क्या लिया, एलसीएम निकाला। जब एलसीएम तीनों का कितना आता है, 60 आता है। अब देखते हैं इसमें कितना कितना इनका रेशियो है। तो इसमें कितना है, ये क्या 3, 2 और 1। अब ये तीनों जो व्यक्ति हैं तीन दिन में कितना काम करते हैं, देखिए 6 काम करते हैं। मतलब तीन दिन में सिर्फ कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। और काम कितने दिन में ख़त्म करना है इनको, काम कितना है 60, तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे, जब तीन दिन में 6 करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 दिन में कितना हो जाएगा, तो कितने दिन में करेंगे पूरा काम, 30 दिन में। इस 60 काम को कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे। समझ में आया भाई, जब वो तीन दिन में 6 काम करते हैं, तीन दिन में, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ, तीन दिन में वो 6 काम करते हैं, काम करना है उनको 60, तो हम देखते हैं कि भाई इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाता है, इजी है, तो उस पर ही मल्टीप्लाई 33 का कर दिया, तो समझ में आ गया कि 30 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, 60 काम पूरा कर देंगे। समझ में आया होगा आप लोगों के। सबसे पहले देखते हैं कि तीनों ने कितना तीन दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं, इसी प्रकार 60 काम को कितने दिन में करेंगे, तो समझ में आया कितने दिन में, 30 दिन में करेंगे। समझ में आया होगा आप लोगों के, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम डिजिट लिखते हैं, उसके बाद उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद उसमें देखते हैं कितना कितना रेशियो है। उसके बाद हमने देखा कि तीनों का जो टोटल काम है 6 है, लेकिन तीन दिन का है, क्योंकि बारी बारी से करते हैं। उसके बाद हमें टोटल काम है कितना, 60, तो इस 6 जब तीन दिन में 6 करते हैं तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे, उसको करेंगे ये 30 दिन में। समझ में आया होगा आप लोगों के। तो ये थे बारी बारी से संबंधित क्वेश्चन, अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले जाते हैं तो किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इससे हटके जो बारी बारी से अलग हैं, वो सवाल इस तरीके से होंगे जिसमें पुरुष या महिलाएं होंगी या बच्चे होंगे, किसी काम को करते होंगे दिन में। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, 2 आदमी या 3 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं, यदि कार्य पर 1 पुरुष और 1 महिला को रखा जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब तक हमने बारी वाली पढ़े, अब की बार देखते हैं जब पुरुष या महिला किसी कार्य को करते हैं तो किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, देखिए कौन कौन सा तरीका हम यूज करते हैं, देखिएगा। पहला तरीका तो यही करता है कि भाई 2 आदमी का 10 दिन का काम कितना हो गया, 20, और 3 महिलाओं का 10 दिन का कितना हो गया, 30, में 3 ही मल्टीप्लाई 30 हो गया। अब क्या करते हैं हम इस सवाल को, पहला तरीका देख लीजिए, फर्स्ट टाइप इसका, हमने निकाला 2 दिन में 10 कितना हो गया, 20 हो गया, 3 का 30 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आता है, 20 और 30 का भी देखा था हमने, 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। इसमें रेशियो कितना हो गया, 3 और 2 हो गया, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। अब हमें क्या बताना है कि यदि 1 पुरुष और 1 महिला रखा जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए जब 1 पुरुष 1 महिला है तो 1-1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि ये होता कि 2 पुरुष और 2 महिला या 3 पुरुष या 4 महिला होते तो उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते और उसको हम ऐड कर देते 5। तो अब ये हो गया कि 5 काम 60 कितने दिन में पूरा करें, ये 60 तो टोटल है, इसको जब एक दिन में 5 करते हैं 60 को कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 60/5=12 days। समझ में आया किस तरीके से हमने किया। सबसे पहले हमने वही किया कि भाई दो आदमी हैं तो 10 दिन करते हैं काम, दो आदमी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं टोटल काम निकाल लिया, 3 आदमी और टोटल काम निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद दोनों का रेशियो देखा। उसके बाद हमने बताया कि भाई कितना काम कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये तरीका थोड़ा अजीब लगता है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो इसका एक सेकेंड टाइप भी है, देखिएगा। इसी सवाल का सेकंड टाइप है, तीसरा है सवाल ये, आपको कुछ नहीं करना है, जो दिन दिए हुए हैं स्टार्टिंग वाले उसको ऊपर लिख दीजिएगा 10, और उसके बाद जो दिया हुआ है नीचे 1 पुरुष और 1 महिला, तो 1 जो लिखा हुआ है उसके स्टार्टिंग वाला आदमी 1/2 + 1/3, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना हुआ, इसका एलसीएम दिया 6 आया, 6 ऊपर चला जाएगा, दोनों को इस तरीके से क्रॉस में 5, तो कितना आ गया 12। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा किस तरीके से, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है 2 आदमी या 3 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, या तो 1 पुरुष 1 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, आपकी समझ में आया होगा किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हमने लिया है, देखिएगा। अब तक तो ये था, इजी था कि भाई 2 आदमी या 3 महिला लिए जा रहे थे,
अगर वो इसको मतलब संख्या को तो अटपटा कर दे, जैसे कह दे वो कि 12 आदमी या 15 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, यदि कार्य पर 2 आदमी या 5 लड़कों को रखा जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इस तरीके अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया था, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। मैं दोनों तरीके इसलिए बताता हूँ, अगर आपको इजी डिजिट आ जाए तो उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको हार्ड डिजिट आ जाए तो इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन हमको दोनों ही तरीके जानने ज़रूरी हैं। तो देखिए 15 24 हमने लिखा, उसके बाद देखा कितना किया, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई की, अब इसका एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम जो निकलता है वो निकलता है 1440। आप देखिए कितना हार्ड पड़ गया, अब एलसीएम निकालने के बाद आपको फिर इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, शायद क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर करना चाहो तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर दूसरा तरीका लगा कर देखते हैं जिससे अगर संख्या ऐसी आ जाए जो थोड़ा प्रॉब्लम करे, मल्टीप्लाई करना पड़े, इतनी देर तो हमको हमारे पास इतना समय होता नहीं है, तो इसलिए हम देखते हैं इसका और आसान तरीका, देखते हैं इसी सवाल को सॉल्व करने का। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग वाले टोटल डेज हैं, ये 24 जो टोटल डेज हैं, इसको आप कहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिएगा, और जो बाद के जो जितने व्यक्ति दिए हैं, 2 आदमी हैं 5 लड़के, तो 2 जो पहले स्टार्टिंग में आदमी थे प्लस 5 जो पहले स्टार्टिंग में लड़के थे, आप कर दीजिए सॉल्व, ईजी हो गया। 24 6 3 तो 1/6 1/3, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, 24 × 6 तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 × 8 = 48, कितना आ गया आंसर, 48 आ गया। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया क्वेश्चन, दोबारा से देखिएगा, अगर आपको लगता है कि डिजिट ज़्यादा हार्ड है और एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो टोटल स्टार्टिंग में डेज दिए हुए हैं वो लिख दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे आप, जो जैसे इसने दिया है यदि कार्य को 2 आदमी 5 लड़कों को रखा जाए, तो जो बाद वाले उसने संख्याएं दी हैं आदमी और या जो भी लड़के दिए हैं तो उसको ऊपर लिखिएगा, जैसे 2 आदमी, आदमी के नीचे जो पहले वाले आदमी हैं, लखा हमने 2/12 प्लस 5/15, इसको सॉल्व किया, इसके गया 6, इससे 5, सॉल्व करने के बाद कितनी जल्दी आंसर आ गया, तो आपको ना तो एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी। तो इसलिए ध्यान रखें कि दोनों तरीके हमको याद होने चाहिए, करने आने चाहिए, जिससे कि हम पता लगा सकें कि सवाल कैसे किया जा सकता है, समझ में आया होगा। और देखते हैं इसका अगले वाला तरीका किस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। अब तक हमने देखा कि भाई 2 या 3 महिला वाल 2 में था, यदि यही काम 3 व्यक्तियों में हो तो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 3 व्यक्ति में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, या तो उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, वो आप कैसे 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा इसको, या फिर अगर इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, ये देखिए पड़ेगा ये सवाल इस तरीके से है, 12 आदमी या 15 औरत या 18 लड़के किसी काम को, उसमें पहले हमने 2 पढ़े थे, इसमें 1 और बढ़ गया है, तो किसी कार्य को 37 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि कार्य पर 2 आदमी 2 लड़के और 2 औरतों को रखा जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अगर आप उस तरीके से करोगे तो इस तरीके से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको लिखोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको लिखोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद एलसीएम आएगा, एलसीएम के बाद फैक्टोरियल निकालेंगे, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो इसको हम और इजी बनाने की कोशिश करते हैं जो हमारा तरीका है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है ये, हम क्या करते हैं वही जो टोटल डेज स्टार्टिंग में दिए हुए हैं उनको सबसे ऊपर लिख देते हैं 37, उसके बाद वही लास्ट वाले जो लिखे होंगे 2 आदमी / 12 प्लस 2 लड़के / 18 प्लस 2 औरतें प्लस 2/15, समझ में आया, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 6 बार गया, ये 9 बार गया, हमने तुरंत सॉल्व कर दिया, 37/1/6 / 9/2/15, इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 90, इसको जब एलसीएम 90 आ गया तो हम कर लेते हैं और इसको और ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 37 × 90, और जब आप इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 करिएगा इसको, और इसका एलसीएम कितना आया देख लेते हैं, 6 9 15 का एलसीएम कितना आया, 2 9 और 15 3 3 और 5
थ्री और फाइव कितना होगा, पाँच पंद्रह थी पैदा नब्बे, तो इसका नब्बे एलसीएम आया। उसके बाद आपका ये 37 था ही ऊपर, अब कर लीजिएगा किस तरीके से, सिक्स है तो कितना आएगा 15 आएगा, नाइन है तो 10 आएगा, और 15 है तो 6 आएगा, कितना आएगा 15 है तो 6 आएगा, तो कर लीजिए आप। आपका एलसीएम मैंने निकाल के दिखाया था, कभी आपको प्रॉब्लम होगी 90 कैसे आ गया, तो हमारा एलसीएम कितना आया, यह है 37 अपॉन 90, ये कितनी बार गया था 15 बार गया था, ये जो गया था 10 बार, और ये 6 तो ये गया 12, आपने इसको ऐड किया तो कितना आया 37 अपॉन, ऐड कीजिए कितना आया, ये 37 ही आया, और 19 ऊपर चला गया 37 से 37, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 90 डेज में पूरा हुआ। तो इस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब सवाल, जब क्वेश्चन थोड़ा डिजिट ऐसी आए जो कि मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो, तो हमें दोनों तरीके ऐसे पता होना चाहिए जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकें। हमें जब पता था कि भाई उसमें दो या तीन आए पेपर में, अगर ये भी आ सकता है दो आदमी या तीन औरत या चार लड़के किसी कार्य को, तो ईजी बन जाता। जब ईजी बन जाएगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, एलसीएम वाले मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको लगे कि संख्या थोड़ी अजीब है, जैसे 15, 18, 37, तो इसको कैसे करेंगे, टोटल डेज ऊपर रखा, इस तरीके से कैलकुलेशन को सॉल्व किया और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों के। एक बार और इसके लिख लीजिए इस तरीके का सवाल। सबसे पहले हमने क्या लिखा, टोटल संख्या लिखा, उसके बाद जिस तरीके से इसने हमसे बोला है कि भाई दो आदमी है तो दो स्टार्ट में कितना 12 प्लस 2 अपॉन 15 प्लस, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं कि जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप उसको सही तरीके से समझ सकें। अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना है 37 अपॉन 2, अगर इसका ऐसे भी ले सकते 2 कॉमन ले लिया तो ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब हमने किया इसको इससे ये कट जाएगा यहाँ पे, तो अब इसने कितना बचा, तो ये बचा 12, तो इसका 15, इसके बाद आ जाएगा इसका 12 और प्लस 10, अब देखिए 90 था, इसको हमने ऐड किया 37 अपॉन 90 ऊपर चला गया तो 90 ही इसका आंसर आया, 37 से 37 कैंसिल हो गया। इसलिए सवाल को जब करेंगे तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाए, समझाना इसलिए पड़ता है कि जिससे कि आप कोई चीज़ उसको ना भूलो। ठीक है, आपके समझ में आया किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट टाइप किस तरीके से क्या कहता है हमसे, सवाल इस तरीके से भी हो सकता है कि चार आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं जबकि, हाँ देखिए, चार आदमी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते, कार्य एक ही है, माफ कर सकते, यदि कार्य पर 3 आदमी और 3 लड़कों को रखा जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए इसमें केवल क्या था, सभी मिलके या आ रहा था, इसमें या नहीं है, ध्यान रखना, उसमें सिर्फ ये देता था कि 15 आदमी या 15 और किसी कार्य को दोनों में कितने दिन में कर सकते, 37 दिन में कर सकते हैं या, इसमें ऐसा या कुछ नहीं, इसमें सीधा सीधा उसने लिखा हुआ है कि 4 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में और जबकि 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में, मतलब दोनों डेज अलग अलग हैं, सेम डेज नहीं है, एक ही दिन नहीं है कि दोनों एक ही दिन करते हैं, इसमें अलग अलग दिन है, दोनों में कन्फ्यूजन ना करें बिल्कुल भी, तो दोनों में क्या है अलग अलग दिन है, तो इन्हें समाप्त कर सकते हैं यदि कार्य में 3 आदमी और 3 लड़कों को रखा जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये सवाल को हम करते हैं, जैसे भाई 4 कितने दिन में करते हैं, कौन सा है 6 है ये, तो देखिए हमने लिखा 4 कितने दिन में करते हैं वो 15 दिन में, तो टोटल कितना आ गया 60 आ गया। उसके बाद देखते हैं 10 लड़के कितने दिन में करते हैं इस कार्य को, 10 लड़के करते हैं आपके 9 डेज में, तो कितना 90 आ गया। अब इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, जैसे आपको पता ही है भाई 60 इसके ऐसे फैक्टर कर लेते हैं जिससे कि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। देखिए किस तरीके से निकालना सीख लीजिए, जिसने नहीं निकालना आता है उसको 2 से डिवाइड दिया, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड देते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो कितना है इसका एलसीएम, 5, 15, 45, 90, 180, कितना आया 180 इसका एलसीएम आया। उसके बाद इसका देखते हैं कितना इसका रेशियो है 180 में पहले का, तो कितना है 3 है और इसका 2 है, तो हमें ये समझ में आ गया इसका हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद हमें पता चला कि 180 और इनका रेशियो इतना है। अब क्या देखते हैं, ये कहता है यदि कार्य पर 2 आदमी और 2 लड़के और लगा दिए जाएं, देखिए हाँ 2 आदमी और 2 लड़के और लगा दिए जाएं तो कार्य यह है 3 आदमी और 3 लड़के, ये कहता है 3 आदमी और 3 लड़के और लगा दिए जाएं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले वही भाई 4
15 दिन में करते हैं टोटल 60 दिन, 10 में लगाया 90, उसके बाद इसका हमने क्या किया एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद इसमें रेशियो देखा, रेशियो निकालने के बाद उसने बोला तीन लड़के और तीन आदमी कितने दिन में इस कार्य को समाप्त करेंगे, तो मैंने पहले ही बताया था कि उसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो कितना हो गया ये, कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 6, और 9 और 6 कितना होता है 15, तो अब आप क्वेश्चन हो गया कि 15 ये सब मिलके कितना कार्य के 15 कार्य करते हैं और 180 कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ये होगा 180 अपॉन 15, आप इसको कर लीजिएगा। किससे काट सकते हैं इसको, हम 3 से काट सकते हैं, तो कितना आ गया 12, समझ में आएगा आप लोगों के। देखिए सवाल फिर से देखिएगा क्या है, सवाल इस प्रकार है, चार आदमी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि कार्य पर 3 आदमी और 3 लड़कों को रखा जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले वही हमने निकाला, 4 15 दिन में करते हैं टोटल कितना 60 हो गया और 10 के लिए कितना हो गया 90 हो गया, उसके बाद दोनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद हमने इसमें क्या देखा, एलसीएम निकालने के बाद उसमें हमने रेशियो देखा, रेशियो देने के बाद उसने हमसे फिर बोला कि 3 आदमी और 3, तो उसकी मल्टीप्लाई हमने कहाँ की, उसी रेशियो में उसकी मल्टीप्लाई की, उसको ऐड किया, टोटल को डिवाइड दे दिया, तो कितना डेट आएगा 12 डेज आ गया, समझ में आया होगा आप लोगों के। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं इसके और अगले तरीके पे, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, अब तक हमने 6 तरीके देखे सवाल को सॉल्व करने के, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट 7 किस प्रकार से है। देखिए ये कहता है 5 आदमी और 4 लड़के किसी, इसमें क्या था, इसमें सिर्फ 2/30 में और भी इसको ऐड कर दिया गया है, 5 आदमी 4 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि 2 आदमी एवं 2 लड़के उसी कार्य को 23 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 आदमी और 5 लड़के कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए हम इस सवालों को जो हमने स्टार्टिंग में किए इसमें हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि सबको ना कोई एक रिलेशन में बना लेते हैं, जैसे इसने हम पहला भी करना चाहें दूसरा, जैसे हम इसी को देखते हैं इससे पहले जो मैंने कराया था 4 आदमी वाला, कैसे हम दोनों में रिलेशन बनाते हैं, जैसे इसने बोला 4 आदमी कितने 15 दिन में कर सकते हैं उसी काम को, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं मैन, उसके बाद उसने बोला 4 लड़के 10 लड़के कितने दिन में करते हैं 9 दिन में, उसको लिखा हमने बॉय, इसको इक्वल लग दीजिए, 60 मैन बराबर 90 बॉयज, कैंसिल, 2 मैन बराबर 3 बॉयज। इस तरीके से हम भी रिलेशन भी निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 2 आदमी बराबर 3 लड़के हैं, तो इसको हम टोटल को क्या करते हैं सवाल को आदमी और इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अब ये सवाल ये हो गया कि भाई 4 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, चलो अब ये सवाल इस पर, तो 3 आदमी और 3 लड़के किसको कितने करेंगे, हमें पता है कि 3 लड़के बराबर 2 आदमी हैं और 3 आदमी पहले से ही हैं, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि 5 आदमी कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा डे 5, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, या तो दोनों में रिलेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं या फिर उस फॉर्मूले से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं या हम उसको एलसीएम विधि के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसलिए बताया कि इस सवाल में हम इसी का प्रयोग करेंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे उसको रिलेशन को चेंज करेंगे। देखिएगा ये कहता है कि 7 आदमी और 4 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितना 5 मैन और 4 बॉयज किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं 10 दिन में, अभी लिख लेते हैं 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 2 आदमी और 2 लड़के, जबकि 2 आदमी और 2 लड़के उस कार्य को 23 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलो तो हमको बताना है कि 10 आदमी और 5 लड़के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब तक तो हम सिर्फ एक ही बात समझते आ रहे थे कि भाई बात यहीं पे खत्म हो जाती थी कि 4 आदमी इतने में करते हैं तो ये कितने दिन में करेंगे, लेकिन इसमें इसने क्या क्या कहा इस सवाल में, एक और नया चीज इसने जोड़ दिया कि भाई 5 आदमी 4 बॉय लड़के जो करते हैं 10 दिन में करते हैं और 2 आदमी और 2 लड़के 23 दिन में करते हैं, तो इतने कितने में करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि मैन और बॉयज में दोनों में एक रिलेशन बना लेते हैं, ये देख लेते हैं कितने बॉयज के बराबर कितने मैन, तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि भाई 5 आदमी और 4 लड़के जो टोटल डेज है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 50 मैन प्लस 4×10 बॉयज इक्वल, दोनों को एक कार्य, एक ही कार्य एक है तो दोनों का कार्य हम बराबर रख देंगे। उसके बाद इसने क्या बोला, जबकि 2 आदमी और 2 लड़के 23 दिन में कर देते हैं, 2×23 मैन प्लस 2×23 बॉयज, 2×23 बॉयज देख लीजिए, 5 आदमी किसी का 10 दिन में करते हैं, 4 आदमी भी उस काम को 10 दिन में करते हैं,
तो दो आदमी 23 दिन में हमने क्या किया, इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए जो हमें दिन दिए हुए थे, सवाल इस तरीके से कहा गया था कि चार आदमी और पांच आदमी और चार लड़के किसी काम को 10 दिन में, दो आदमी और दो लड़के किसी काम को 23 दिन में कर सकते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों जो दिया हुआ था उससे हमने क्या दोनों में इक्वेशन बना ली। अब सॉल्व करते हैं कि 50 आदमी प्लस 40 बॉयज इक्वल हैं 46 मैन प्लस 46 बॉयज। अब ले आइए इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मैन बराबर 6 बॉयज या 2 मैन बराबर 3 बॉयज। ये तो हमारे पास आ गया रिलेशन, इसकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन से हम क्या निकाला, रिलेशन निकाला। अब आगे चलते हैं, हमसे क्या कहता है, अब ये सवाल कहता है हमसे कि हमें बताना है 10 आदमी और 5 लड़के कितने दिन में समाप्त करेंगे, क्या 10 आदमी और 5 लड़के कितने दिन में इसको समाप्त करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो पहले वाला जो उसने लाइन दी थी हमें, कौन सी, कि 5 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो इस तरीके से कर लेते हैं हम कि पहले वाला जो दिया था 5 आदमी और 4 लड़के, इसी को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सवाल को हम सॉल्व, थोड़ा लेंथी इसलिए कि इसमें तीन इक्वेशन दी हैं, अगर ट्रिक से समझोगे तो इसमें उलझ जाओगे, बहुत सारी ट्रिक्स में लग जाती हैं एक साथ और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, इसलिए इस तरीके अगर क्वेश्चन आए इतना वक्त तो हमारे पास होता है कि हम इस तरीके सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अगर जल्दी से और जल्दी कोशिश करेंगे तो और जल्दी ये फैक्टर हो जाता है। अब देखिए इसने हमें क्या बताना है, तो इसमें से एक और बात, इसमें जरूरी नहीं है कि हम पहली समीकरण लें, हम इसमें दूसरी समीकरण भी ले सकते हैं कि दो आदमी और दो लड़के वाली भी ले सकते हैं। हम केवल ये बताना है 10 आदमी 5 लड़के, कोई कहेगा कि भाई हम तो इसको लेते हैं 5 आदमी 4 लड़के, कोई कहता है इसको ना लेके इसको करते हैं 2 आदमी, तो आपकी मर्जी है इसमें कौन सी समीकरण को लेंगे। तो इसमें कहा 2 आदमी बराबर 3 बॉयज, तो हम करते हैं इसी को ले लेते हैं कि भाई 2 आदमी और 2 लड़के इस कार्य को उस कितने दिन में करते हैं, तो हम बनाते हैं इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लड़कों में। ठीक है, हमें ये पता है कि 2 आदमी कितने लड़कों के बराबर है, 3 लड़कों के बराबर, तो ये हो गया 5 लड़के, कितने हो गया कि 5 लड़के किसी कार्य को 23 दिन में करते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो अब ऐसे जब से 10 आदमी दिया है और 5 लड़के दिया है, जबकि हम जानते हैं कि भाई 2 आदमी बराबर 3 बॉयज हैं, तो 10 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 10 आदमी बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा भाई, 30 लड़के हो जाएंगे ना भाई, 10 आदमी कितने के बराबर है 3 के बराबर है, 3 लड़कों के बराबर, तो ये मान लीजिए, तो इसको बदलना है हमें किस में, बॉयज में। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा वाले, जबकि हम जानते हैं कि एक मैन बराबर 3/2 बॉयज, तो 10 मैन बराबर कितना हो गया 15 बॉयज। ठीक है, कैसे देखिए, एक मैन बराबर 3/2 बॉयज, अब हमें निकालना है 10 मैन बराबर कितने बॉयज, हम 10 की मल्टीप्लाई कर दी गुणा 10 बॉयज, तो कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 10 आदमी बराबर 15 लड़के, तो 15 हो गया, 15 तो ये हो गया और 5 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया ये 20 हो गया। अब क्वेश्चन इस तरीके से हो गया कि 5 आदमी लड़के किसी कार्य को 23 दिन में करते हैं, ये लड़के हैं, और तो 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपका एक्स आ गया। उसके बाद आप कर दीजिएगा इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये एक्स है, तो टोटल ये कितना आ गया 23/4 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे ये आदमी। दोबारा समझ लीजिएगा, थोड़ा उलझा हो गया है। सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से दिया उसने कि 5 आदमी 4 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं और 2 आदमी एवं 2 लड़के उसी कार्य को 23 दिन में समाप्त करते हैं, तो 10 आदमी और 5 लड़के उसको कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, पहली इक्वेशन पहली वाली लाइन से दूसरी लाइन से क्या किया, एक इक्वेशन बनाई कि जो दिन दिए थे उनके हमने मल्टीप्लाई कर दिया आदमी और बॉयज लड़कों के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई 10 मैन प्लस, इस तरीके से किया क्योंकि हमें दिया हुआ था 5 और 4 10 दिन में करते हैं, तो इसी प्रकार हमने इनका एक दिन का वर्क निकाला, टोटल दोनों को इक्वल रखा, इक्वल रखने के बाद हमारे एक रिलेशन निकल के आया, 2 आदमी बराबर 3 बॉयज का एक रिलेशन निकल के आया। हम या तो इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं, कोई हमारी मर्जी, हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको ले लिया, हम 2 आदमी और 2 लड़के, तो 2 आदमी हमें पता 3 लड़कों के बराबर है, 3 लड़के और 2 लड़के 5 लड़के हो गए, मल्टीप्लाई 23, इसका मतलब 5 लड़के 23 दिन में करते हैं, इसको भी हमने लड़कों में कन्वर्ट किया, 10 आदमियों को जो हमने लड़के बनाए तो कितना हो गया 15 हो गया, तो क्वेश्चन कितना हो गया 15 × 5 = 20, तो 20 लड़के कितने दिन में करेंगे उस कार्य को 23, सही 1/23/4 दिन में करेंगे उस टोटल कार्य को। समझ में आया होगा आप लोगों के, और देखते हैं इसके थोड़ा, अब हमने ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो कि एक रिलेशन में पूछ सकता है, जिसमें आपको या तो इस तरीके से देगा
या वाला, या एक इसको इस तरीके से घुमा सकता है कि तीन व्यक्तियों के रूप में भी दे सकता है। अगर इस तरीके से भी नहीं देगा तो आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि चार आदमी 15 दिन में समाप्त कर उसी कार्य को, 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं, इस तरीके से भी दे सकता है। तो इस क्वेश्चन, इस जो ये प्रकार है, मिला के 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों में से कोई ना कोई तरीका आपसे पूछ लेगा और चारों के चारों तरीके हम आपको बता चुके हैं। अब देखते हैं, जैसे कि हमने पहली क्लास में कुछ पढ़ा था कि कार्य पहले समाप्त कर हो, कार्य समाप्त होने से पहले चला जाता है या उसके बाद चला जाता है, तो उसको कैसे समाप्त कर, कैसे उसको का सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये नो क्या लिखता है। देखिए प्रकार अलग हैं, ये अब तक हमने बारी बारी वाला समझा, उसके बाद हमने मैन वोमैन एक रिलेशन वाला सवाल सॉल्व किए, अब हम इस तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से सवाल है, ए बी सी किसी कार्य को 18, 30 और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं 3 दिन बाद, ए कार्य शुरू होता है उसके 3 दिन बाद और उसके 5 दिन बाद सी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। मतलब ये हुआ कि कार्य प्रारंभ हुआ उसके 3 दिन तक तो ए ने काम किया, उसके 5 दिन बाद में 8 दिन तक बी ने काम किया, दोनों कार्य करके छोड़ के चले गए, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो करते हैं उसी तरीके जिस तरीके से हम करते हैं एलसीएम मेथड से। सबसे पहले वही 9 है, ये लिख लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिए, 18 30 और 40 का हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आया इसका, 360 आया, उसमें इसका हमने देखा भाई कितना कितना रेशियो है, हमें पता चला ये 20 है, मैंने बताया था इसमें से डिवाइड देते हैं, इससे इसे डिवाइड देते हैं 12 और ये 9। अब जो इनका जो वर्क आया एक दिन का, इतना इतना वर्क आ गया, अब ये क्या करते हैं, तीन दिन बाद ए और 5 दिन बाद सी कार्य छोड़कर करके चला जाता है। तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन तक तो दोनों ने कार्य किया भाई, किया ना, तो हम क्या करते हैं तीनों को जोड़ते हैं, कितना हुआ 30, 2 32, 8 40 और 1 41। दोबारा देख लीजिए, हाँ 41 आया और एक कितने दिन का काम है इनका, 3 दिन का, तो कितना हो गया 123 काम, तो ये हो गया। चलो ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, हमने लिख लिया 3 दिन का इन्होंने कितना काम किया, इतना काम किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 5 दिन बाद सी और छोड़ के चला गया, इसका मतलब जो सी ने काम किया उसके बाद 5 दिन सी ने और काम किया, कहने का मेरा मतलब ये हुआ एक तो काम ये हो गया, इतना काम ये कर चुके हैं प्लस अब एक ये तो चला गया, अब बचा बी और सी, इसका मतलब बी ने भी 5 दिन किया होगा और सी ने भी 5 दिन किया होगा, इन दोनों को निकाल लीजिए, 12 और 9 कितने हो गए 8, 21, 21 में 5 की मल्टीप्लाई 105, इसका मतलब इतना काम हो चुका है। अब बी ने भी काम कर दिया, सी मतलब सी ने भी काम कर दिया, ए ने भी, अब बचा सिर्फ बी, क्योंकि सी भी चला गया और ए भी चला गया, तो हम क्या करते हैं टोटल में से पहले ये काम निकाल लेते हैं भाई, हमें कम से कम ये तो पता चलेगी कितना काम बचा है, कितना काम बी करेगा। हमने क्या किया 360 में से इसको माइनस कर दिया, 8, 2 और 2 कितना बचा, 132। अब हमारे पास 132 काम है, इसको हटा दीजिए, हम समझाने के लिए लगाया था, अब हमारे पास कितना काम है 132 काम है, 132 काम को किसको करना है, बी को करना है, तो क्या करेंगे बी इस बी वाली संख्या डिवाइड दे देंगे, कितना जो 11, तो बचे हुए काम को जो करता है बी वो 11 दिन में करता है, और पहले काम कितने दिन हो चुका है, 8 दिन तक काम हो चुका है, तो 8 + 11 = 19, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 19 दिन में समाप्त हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिएगा, सबसे पहले अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन दिया, ए बी और सी किसी कार्य को 18, 30 या कुछ भी दिनों में करते हैं, अलग अलग समाप्त, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, 3 दिन बाद ए चला जाता है, सबसे पहले हमने देखा भाई 3 दिन तक तो तीनों ने ही काम किया ना, हमने 3 दिन का काम निकाल लिया जो कितना है 123 आया, तीनों को जोड़ा, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद देखा कि उसके बाद 5 दिन बाद, 5 दिन बाद उसके बाद कौन चला गया, सी चला गया, तो इसका मतलब बी और सी ने तो 5 दिन काम किया ना, तो हमने 5 की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, जो टोटल काम 360 था उसमें से ये काम निकाल दिया, ये देखने के लिए काम कितना बचा जो बी को करना है, तो हमारा 132 आया इसको करने के बाद, तो 132 काम को हमने देखा कि बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 11 दिन में, 8 पहले ही हो चुका है, 8 और 11 = 19 दिन सॉल्व हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना एक और तरीका है, देखिएगा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे,
360, और ये कितना था, माइनस किया था हमने इसमें से 123 प्लस 105, ठीक है, तो कितना आया था, 132 आया था, 132 को हमने किसे 12 से भाग दिया था, तो 11 आया था, 8 डेज पहले थे, तो टोटल 19 हो गया। अब इसका सेकंड टाइप देखिएगा, जब भी बाद वाले क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था जब पहली क्लास ली थी कि 1 माइनस जो काम जितने किया है उसको लिख लीजिएगा, 3 अपॉन 18 माइनस 8 अपॉन कितना सी ने कितना 40, और जो काम नहीं करता है, जो नहीं जाता है, उसको हम कहाँ लिख लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं। ये तरीका मैंने बताया था आपको, अब इसको आप शायद सॉल्व कर सकते हैं, ये 6 ये 5 तो कितना हो गया, ये सेकंड टाइप है, ध्यान रखना, 1 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 30 किया हमने, इसका एलसीएम 30 आया, 30 माइनस के 5 माइनस के 6 अपॉन 30, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए 30 में से 11 जाएंगे तो कितना, 30 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये तरीका ना आए, भूल जाए, तो इस तरीके से कर लीजिए। मैंने बताया था आपको 1 माइनस जो आपको जो काम छोड़कर गया है उसके बाद वाला, उसको ऊपर लिख के, जो ए है तो ए वाली संख्या, बी गया है तो बी वाली संख्या, और जो काम कर रहा है लगातार उसको हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, सवाल सॉल्व हो जाता है। हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अब लास्ट सवाल और देखिएगा इसका, सवाल नंबर 10, ये बाद वाले चल रहे हैं, ठीक है, ये वही है, ए बी और सी किसी कार्य को 20, 24 और 40 दिन में अलग अलग कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। वही करना है आपको जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, 20, 24 और 40 का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, 120 आया, क्योंकि एलसीएम मैं बता चुका हूँ तो बार बार सही नहीं है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा लेंथी हो लगता है, फिर क्वेश्चन कितनी समय ले रहा है क्वेश्चन सॉल्व होने में, तो एलसीएम लिया हमने, एलसीएम के बाद देखा इसमें कितना कितना रेशियो है इसका, तो 6 उसके बाद का 3 और ये कितना आया 5, उसके बाद हमने क्या, इसने क्या बोला, 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिन तक तो सभी ने काम किया ना, तो कितना 6 5 1 देख लेते हैं इसको, जोड़ दीजिए सबको 10, ये कितना है 14 आ गया, उसके बाद देखते हैं कितने दिन बाद छोड़ गया, 4 दिन बाद, 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया टोटल 56, और 56 को किससे माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 6। अब ये कहता है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, भाई ए तो चला गया कार्य समाप्त करके, अब जो बचे कौन, बी और सी, तो बी और सी कितने दिन में करेंगे इस कार्य को, टोटल कितने हैं ये 5 और 3 कितना 8, तो 64 को कितने दिन में करेंगे ये 64 अपॉन 8, तो 8 दिन तो ये आ गए, और 4 पहले एक साथ साथ इन्होंने काम किया था, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 12 दिन में। दोबारा से देख लीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले वही संख्याओं का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकालने के बाद इसमें देखिए इसका रेशियो कितना कितना है, हमने रेशियो निकाला 6 5 3, उसके बाद हम ये बोलता है कि 4 दिन तक कार्य किया, 4 दिन तक तो ए ने काम किया, तो ए के साथ तो बी और सी ने भी काम किया, तो हमने सी के साथ क्या किया, 4 दिन का तीनों काम निकाल लिया, 56 आया। अब हमने क्या किया, इस 56 को में से माइनस कर दिया, भाई 4 दिन में जो काम इन्होंने किया 56, 120 में आप टोटल काम कितना बचा, कुल जो वर्क था वो बचा 64। अब 64 को कौन कर मिलके करेगा, बी और सी करेंगे, तो बी और सी को हमने जोड़ लिया और संख्या से डिवाइड दे दिया, हमें समझ में आ गया कि बी सी उसको हमको 8 दिन में कर लेते हैं, और 4 दिन पहले ही काम हो चुका है, तो काम कितने दिनों में हो गया पूरा, 12 डेज में। इसी के साथ जो हमारी इसकी जो क्लास थी दूसरी समाप्त होती है, जिसमें हमने से कुछ तरीके के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना कि बारी बारी से अगर कोई काम करता है किस तरीके से समाप्त होता है, या एक रिलेशन कि अगर दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति, या इस तरीके से कि दो व्यक्ति और तीन व्यक्ति किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं, और भी जाना हमने कि जैसे कि कोई बाद में कार्य छोड़ के चला जाता है तो किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी दूसरी क्लास समाप्त होती है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसकी तीसरी क्लास।